स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं CET 10+2 एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और इस एग्ज़ाम में लगभग 70% की उपस्थिति देखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि CET एग्ज़ाम काफ़ी महत्वपूर्ण है आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। यानी कि आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जो कि 10+2 लेवल के हैं, उसके लिए CET एग्ज़ाम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के चलते यहाँ पर 70% की उपस्थिति देखने को मिली है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहेगी, क्योंकि ये जानना अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके यहाँ पर मार्क्स कम बन रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर 15 गुना की क्या कट ऑफ रहने वाली है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 15 गुना अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे, लेकिन अगर बोर्ड चाहेगा तो वहाँ पर अपने अनुसार न्यूनतम अंकों पर भी अभ्यर्थियों को सेलेक्ट कर सकता है। यानी कि ये पूरा पूरा डिपेंड करता है बोर्ड पर, यानी कि जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम को कराने वाला बोर्ड यह निश्चित करेगा कि क्या 15 गुना अभ्यर्थी को ही सेलेक्ट करना है या उससे ज़्यादा भी अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मिनिमम यहाँ पर 15 गुना अभ्यर्थी ज़रूर सेलेक्ट होंगे। जो भी भर्ती आएगी, चाहे वो LDC की हो, कांस्टेबल हो या अन्य कोई भर्ती हो, तो वहाँ पर जितने भी पद रहेंगे उसके 15 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 15 गुना अभ्यर्थियों की क्या कट ऑफ रह सकती है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर जो पेपर हुआ था काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर आया था, मॉडरेट रहा था पेपर, तो उस हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ में कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बात है 15 गुना की कट ऑफ की, तो लगभग एक अनुमानित कट ऑफ आपको बताई जाएगी, क्योंकि बिल्कुल सटीक कट ऑफ बताना यहाँ पर जो है उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 15 गुना अभ्यर्थियों की कट ऑफ बतानी है तो इसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी एक अनुमानित कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, जिससे आप ये जान पाएंगे कि आपका 15 गुना में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। सबसे पहली बात यहाँ पर यह आती है कि आपके आंसर की कब तक आएगी। तो आजकल जो है बोर्ड आंसर की काफ़ी जल्दी यहाँ पर जो है शो कर देता है, तो यहाँ पर जो आंसर की है वो आपको 20 फरवरी तक देखने को मिलेगी, यानी कि आगे आने वाले एक वीक में आपको यहाँ पर आंसर की देखने को मिलेगी, जिसके बाद आप ये पता कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। वैसे तो काफ़ी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो है नंबर अपने पता कर लिए हैं, वो यूट्यूब पर किसी चैनल से अपनी उन्होंने आंसर की मिलाई होगी, तो जब फाइनल आंसर की आती है तब ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। अगर आपने बिल्कुल सही आंसर की मिलाई है तो 2 से 3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके सही भी हो सकते हैं और माइनस में भी जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लगभग इतना पता चल चुका है कि आपके नंबर कितने आने वाले हैं। बात करें स्कोर कार्ड की, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही स्कोर कार्ड आपके अगले जो ये अगला एग्ज़ाम होगा उससे पहले वही स्कोर कार्ड आपका मान्य रहेगा। तो ये जो आपका स्कोर कार्ड है ये मार्च के महीने में आ जाएगा, यानी कि मार्च मिड तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। आप इतना तो पता कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर है, पर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितने नंबर आएंगे ये पता करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हुआ है, किस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, किसके कम होंगे या किसके कितने बढ़ने वाले हैं, ये सब चीज़ें जो है डिक्लेयर होगी वो होगी स्कोर कार्ड में। तो स्कोर कार्ड आपके लिए ज़रूरी होगा, जो कि मार्च 2023 में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है। तो यहाँ पर जो है नॉन TSP एरिया की कट ऑफ बताई जा रही है, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है जहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है उनकी कट ऑफ यहाँ पर बताई गई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कट ऑफ आपको लास्ट वीडियो में बताई गई थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, क्योंकि कट ऑफ आपकी लगभग इतनी ही रहने वाली है और ये अनुमानित कट ऑफ है जो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी, यानी कि जनरल, OBC, EWS, MBC, SC, ST कैटेगरी में मेल और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ क्या रह सकती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है मेल कैंडिडेट 80 क्वेश्चन और फीमेल कैंडिडेट के 75 क्वेश्चन की कट ऑफ जा सकती है। यहाँ पर जो भी ये नंबर लिखे गए हैं ये आपके क्वेश्चन है आउट ऑफ 150, यानी कि 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आप अपने मार्क्स या अपने क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिला सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन इतने सही हैं तो आपका आसानी से 15 गुना में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने नंबर ज़रूर मिलाइएगा, और इसके बाद जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।